साल 2001 में करीना कपूर, अक्षय कुमार, बॉबी देओल और बिपाशा बासु की फिल्म अजनबी आई थी। कहा जाता है कि करीना और बिपाशा के बीच इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद ये सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की और एक के बीच कोल्ड वॉर चला। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था और क्या है ये पूरी स्टोरी, जानिए हमारी आज की इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, करीना कपूर और बिपाशा बासु अपने करियर के शुरुआती दौर में ही एक फिल्म में साथ नजर आई थी जिसका नाम था अजनबी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद दोनों के बीच ऐसी कोल्ड वॉर शुरू हुई कि फिर कभी दोनों ने एक साथ स्क्रीन शेयर ही नहीं की। लेकिन आखिरकार दोनों के बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि सालों तक दोनों ने एक दूसरे का काम तो क्या बात करना भी छोड़ दिया। दरअसल साल 2000 में करीना कपूर ने रिफ्यूजी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके अगले ही साल 2001 में अक्षय कुमार, बॉबी देओल और बिपाशा बासु के साथ अजनबी फिल्म की। कहा जाता है कि करीना और बिपाशा के बीच इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि फिर कई सालों तक इनके बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच महज एक ड्रेस को लेकर तनातनी शुरू हो गई थी जो धीरे धीरे ऐसी बढ़ी कि सालों तक इनके बीच झगड़े के चर्चे होते ही रहे। मीडिया की रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसके बीच बहसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया था। हालांकि इस बातों में कितनी सच्चाई है ये केवल करीना और बिपाशा ही जानती है। दोस्तों, दोनों के बीच झगड़ा केवल फिल्म तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि ये कोल्ड वॉर कई सालों तक दोनों के बीच यूं ही चलता रहा। जब भी मौका मिला दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2002 में फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने बिपाशा की एक्टिंग को लेकर सवाल उठाए तो वहीं कॉफ़ी विद करण में उन्होंने जॉन अब्राहम को एक्सप्रेशनलेस कहा था। उस वक्त जॉन बिपाशा के बॉयफ्रेंड थे। हालांकि सालों बाद दोनों के बीच लड़ाई खत्म हुई जब करीना ने सभी मतभेदों को भुलाकर सैफ के बर्थडे पर बिपाशा को इन्वाइट किया और बिपाशा भी इस न्योते पर इस पार्टी पर पहुँच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपका इस पूरी स्टोरी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।